मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ बार्सिक ऑफ गुल्टर्निक। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक बंदा चट्टान के ऊपर एक तलवार लेकर खड़ा होता है, उसके चारों तरफ गॉब्लिंस उसे घेर कर खड़े होते हैं। वो बंदा बिल्कुल भी देरी ना करते हुए उन गॉब्लिंस के ऊपर अटैक करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक मर्चेंट दिखाया जाता है जो कि घोड़ा गाड़ी में शहर की तरफ जा रहा होता है। घोड़ा गाड़ी के पीछे बहुत सारे गॉब्लिंस लगे होते हैं। गॉब्लिंस को देखकर वो मर्चेंट और भी ज्यादा स्पीड से घोड़ा गाड़ी चलाने लगता है। उस मर्चेंट की मदद करने के लिए वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आते हैं, वो उन गॉब्लिंस को हैंडल कर लेते हैं। हमें एक कैपिटल दिखाया जाता है, यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नेम था फेट, वो वहाँ पर होली नेट का झंडा पकड़ कर कैपिटल के दरवाजे के बाहर खड़ा होता है कि उसे भूख भी लग रहा था। उसी रास्ते से वही एडवेंचर जा रहे थे गॉब्लिंस के बारे में बात करते हैं। ये सुनकर फेड बोलता है कि मैं तो सपने में भी उन गॉब्लिंस को मार नहीं सकता, मेरी फूटी किस्मत, मेरे पास कुछ स्किल्स ही नहीं है, यूजलेस स्किल है मेरे पास जो है। अगर मेरे पास कोई जॉब होता वो भी मेरे लिए अच्छा होता। फिर हमें दिखाया जाता है तीन पॉलिनेट्स को जिनको देखकर वहाँ के सभी लोग डर रहे होते हैं। जिस रास्ते से जा रहे थे वहीं पर एक फल एक पॉलिनेट की पेड़ के नीचे आ जाता है। वो जो उसका मालिक था वो आकर झुकाकर माफी मांगने लगता है, लेकिन पॉलिनेट माफ कर देने के बजाय उसे मार रहे थे क्योंकि ये पॉलिनेट बहुत बुरे थे। फिर ये सब कर वो वहां से चले जाते हैं। हमें पेट को दिखाया जाता है, उसको अभी तक भूख ही लग रहा था, उसके पेट में जैसे चूहे कूद रहे थे। सोचता है कि मेरा शिफ्ट अभी खत्म हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि वही तीनों होली नाइट उसके सामने आते हैं। उनमें से एक होली नाइट बोलता है कि फेट तुमने तुम्हारा काम आज अच्छी तरीके से किया। फेट बोलता है कि हाँ बिल्कुल सर। होली नाइट नीचे कुछ पैसे फेंकता है और बोलता है कि इसे उठा लो। पेट उस पैसे को जैसे ही उठाने के लिए झुकता है, एक होली नाइट उनमें से उसे मारने लगता है, अपने पेट से पेट के हाथों को कुचलने लगता है। पेट बोलता है कि इस दुनिया में किसी के पास स्किल्स नहीं है तो वो कोई काम का नहीं है। पेट को वो लोग बराबर टॉर्चर ही करे जा रहे थे। और हम देखते हैं कि एक लड़की उन लोगों को रोकने के लिए आती है। वो बोलती कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक होली नाइट का व्यवहार तुम्हारे जैसा नहीं होना चाहिए, हमको ये नाम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए मिला था, से लोगों को मारने के लिए नहीं। उस लड़की का नाम था रॉक्सी। वो होली नेट्स बोलते हैं कि हम तो हमारा ड्यूटी कर रहे थे, ये बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। रॉक्स फेट की मदद करने के लिए अपने हाथ आगे करती है, वो पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, पेट का हालत बहुत बुरा था। रॉक्सी एक रुमाल निकाल कर पेट का मुंह को साफ करने लगती है। पेट इसके लिए उसे शुक्रिया अदा करने भी लगता है। रॉक्सी बोलती कि अभी वो झंडा मुझे दे दो, और बोलते कि ऐसा कुछ फिर से हुआ तो आकर मुझे बोलना। पेट बोलता है कि ये तो मेरे साथ हमेशा होता है, ओके अगले बार होगा तो मैं आपको बताऊंगा, मैं यहाँ से चलता हूँ। फिर वो रेस्टोरेंट में आकर खाना खाने लगता है। मैं जानता हूँ कि वो लेडी रॉक्सी ने मुझे क्या बोला था, लेकिन मैं इस मामले में उनको उलझा नहीं सकता हूँ, पता नहीं वो होली नाइट्स उनके साथ क्या कर दे। वहाँ का वेटर बोलता है कि अगर तुम ऐसे ही मार खाते रहे तो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। वो इन सब बातों को इग्नोर कर रेस्टोरेंट से चला जाता है। वो रास्ते पर चलते हुए सोचता है कि ये सब मेरी स्किल्स की वजह से है, अगर मैं दूसरी जगह जन्म लेता तो कैसा होता, मैं होली नेट बन सकता था, मर्चेंट बन सकता था, वॉरियर या एक क्राफ्टमैन, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो यहाँ से जाते हुए कुछ चोरों को नोटिस करता है, वो दीवार के ऊपर से जंप कर रहे थे। बताने के लिए वो भागते हुए रॉक्सी के पास जाता है। झंडा फेट को पकड़ा कर वो चोरों को पकड़ने के लिए चली जाती है। फिर हमें कुछ आवाज सुनाई देता है। फिर कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि पैलेस के अंदर से
एक चोर बाहर आ रहा था, देखकर पेट पहले वहाँ से भाग रहा था, लेकिन सोचता है कि रॉक्सी ने उस पर विलिप कर ये देकर गई है, अगर मैं इसको यहाँ पर छोड़ कर गया तो उनका बेइज्जती होगा। वो खुद को हिम्मत देकर बोल रहा होता है कि ये मैं कर सकता हूँ। वो चोर धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ने लगता है, पेट और डंडा पकड़कर उस चोर के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होता है। चोर जैसे ही आगे बढ़ता है, पेट उसके छाती में वो झंडा घुसा देता है। पेट को एक आवाज सुनाई देता है, पेट का गुल्टन स्किल एक्टिव हो चुका है। उसके साथ ही उसको एक टेलीपैथी नाम का एक न्यू स्किल भी मिल जाता है। उसका स्किल भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। पेट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, फेट काफी डर गया था। फिर वहाँ पर रॉक्सी आती है, दौड़ कर आकर पेट के हाथ पकड़ लेती है। तुम ठीक हो फेट, तुम्हें चोट वोट तो नहीं लगा ना? पेट को अचानक से रॉक्सी की मन की आवाज सुनाई देता है। से ये कैसे सुनाई दे रहा है वो उससे भी पता नहीं था। रॉक्सी देखती है कि पेट ने उस चोर को मार दिया। फेट नोटिस करता है कि वो रॉक्सी की मन की बात सुन नहीं पा रहा है। फेट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फेट बोलता है कि आप इसका क्रेडिट ले सकती है रॉक्सी मैडम। रॉक्सी बोलती कि नहीं नहीं, ये तो तुम्हारे साथ गलत होगा। फेट बोलता है कि नहीं नहीं सर, रिफिल को इस बार में पता चल गया तो। फेट मन में सोचता है कि मैं लेडी रॉक्सी के लिए और मुश्किल पैदा नहीं कर सकता। रॉक्सी बोलती कि अगर आज तुम नहीं होते तो मेरी ड्यूटी निभाने में फेल हो जाती। रॉक्सी बोलती कि क्या तुम हार्ट फैमिली के लिए काम करना पसंद करोगे या लिरिक्स के लिए काम करना तुम पसंद करोगी। पेट ये प्रपोजल को सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। रॉक्सी बोलती कि तुम्हें राफेल के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा जिंदगी है, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। फेट बोलता है कि अगर मैं यहाँ का जॉब छोड़ दिया तो मेरा काम कौन करेगा। फिर बोलती कि गेट को डिफेंड करना एक होली नाइट का काम है, ये तुम्हारा काम नहीं है। फेट सोचता है कि ये लेडी रॉक्सी बोल रही है, मतलब सही होगा। फिर फेट अपने घर पर जाता है। फिर वो जाकर ग्लूटन स्किल्स के बारे में सोचता है, देखता है उसका स्किल्स काफी ज्यादा बढ़ गया है। अभी तक उसे उस स्किल्स के बारे में कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। फेट सोचता है कि फिर से ये ग्लूटनी एक्टिव हुआ तो मेरी बॉडी के साथ क्या होगा, शायद मैं अभी मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ। फिर नेक्स्ट डे वो एक वेपन शॉप में जाता है एक वेपन बाय करने के लिए। दुकानदार बहुत खुशी से पेट को वेपन दिखाने लगता है। दुकानदार को जैसे ही पता चलता है कि पेट के पास कितने पैसे है, समझ जाता है कि पेट कितना पुअर है। वो बोलता है कि पास के बैरल से तुम एक वेपन चूज कर सकते हो। पेट उन सब वेपन को देखता है लेकिन पेट को एक भी पसंद नहीं आता है। उसे एक ब्लैक स्वर्ड पसंद आता है। वो उसे उठाकर देखता है कि उसे भी उसी तरह ही ट्रेंड किया गया है। वो ब्लैक स्वर्ड बोलने लगता है कि अगर तुम मुझे खरीदोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उस स्वर्ड को बात करते हुए सुनकर पेट काफी ज्यादा शौक हो जाता है। फिर वो उस ब्लैक स्वर्ड को ही बाय कर लेता है। फिर हमें वो होली नाइट्स को दिखाया जाता है, उनके पास भी खबर पहुंच गया होता है कि फेट अभी लेडी रॉक्सी के लिए काम करेगा। से वो लोग काफी ज्यादा जेलस होने लगते हैं और फेट के खिलाफ प्लानिंग करने लगते हैं। फिर हमें फेट को दिखाया जाता है जो कि एक फील्ड में आ गया होता है। वो अभी भी अपना स्वाट के साथ बात कर रहा था, तभी अचानक से कुछ गॉबलिंग्स आकर फेट के ऊपर हमला करने लगते हैं। वहां पर अचानक से फेट का ग्लूटिन अटैक एक्टिव हो जाता है। फेट अचानक से खुद के खुद ही सारे गॉबलिंग्स को मारने लगता है, शायद 100 के बराबर। इजीली एक के बाद एक गॉबलिंग्स को बहुत इजीली मार रहा होता है। फेट की स्किल्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। देखते देखते फेट सारे गॉबलिंग्स को मार गिराता है। इसके बाद उसका स्वाट बोलता है कि शायद तुम्हारा पेट भरा है, क्योंकि फेट का पेट अभी तक गुड़गुड़ नहीं हो रहा था। समझ जाता है कि ये सब गुल्टन स्किल्स की वजह से है। फेट बोलता है कि ऐसा तो कभी भी मेरे साथ नहीं हुआ है। वो स्वाट बोलता है कि नॉर्मली फाइट करने से स्किल्स बढ़ता है, लेकिन गुल्टन स्किल की वजह से तुम और किसी के भी स्किल्स को ले सकते हो। फेट और उसका स्वाट जो बात कर रहे थे,
कुछ वॉरियर्स उसी तरफ ही आ रहे थे। स्वार्ट बोलता है कि अगर तुम्हारा स्किल के बारे में किसी को पता चल गया तो ये अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। रेड बोलता है कि ओके मुझे अभी अकेले ही फाइट करना पड़ेगा। उसका स्वार्ट बोलता है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद फेट वहां से जाने लगता है। जाते जाते उसका स्वॉर्ट उसे रोक लेता है और उस गॉब्लिंग्स का कान को कलेक्ट करने के लिए बोलता है, क्योंकि फेट को पैसे का ज्यादा जरूरत था। फेट को उन गॉब्लिंग्स का कान बेचकर 3 गोल्डन कॉइन और 8 ब्रोंज मिले। फेट खुश हो जाता है, उसका डिनर का इंतजाम भी हो गया। वो रास्ते से अपनी शॉर्ट से बात करते करते जा रहा था, वो तभी रास्ते पे एक आदमी से टकरा जाता है। वो आदमी अपने साथ एक छोटी बच्ची को घसीटते हुए ले जा रहा था। वो जैसे ही वो बच्ची को नोटिस करता है, वो देखता है कि वो बच्ची काफी ज्यादा रो रही थी। वो बच्ची अभी फेट का मदद मांगने लगती है। उस बच्ची को देखकर फेट थोड़ा शॉक हो जाता है। वो आदमी उस बच्ची को घसीटते हुए वहां से लेकर जाता है। फेट भी उस लड़की के पीछे पीछे जाता है। वो अपनी स्किल की मदद से उस आदमी का स्किल भी देखता है। ऑब्वियसली उस स्किल फेट से काफी ज्यादा ऊपर था। आदमी उस बच्ची को मार पीट रहा था, वो छोटी सी बच्ची उससे काफी डर रही थी। फेट बोलता है कि कोई मुश्किल में है तो मुझे उसे मदद करना चाहिए, मेरे पास पावर है, मैं इस बच्ची का मदद करूंगा। तो यहीं पर हमारे ये शानदार वीडियो खत्म होता है। आपको कैसे वीडियो लगे कमेंट में मुझे जरूर बताएं, और अगला एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल में बने रहिए।